खबर चुनार से है। टेकऊर में कुम्भार से शक्तिकरण कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम 22 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक कराया जा रहा है। स्थान टेकऊर में इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि कुम्भार प्रजाति के लोगों को इसका प्रशिक्षण कराया जा रहा है। यह 10 दिनों का ट्रेनिंग है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मशीन का कुम्हारों को वितरण किया जाएगा, जो कि 31 जनवरी 2020 को लोगों में दिया जाएगा। आज के मुख्य अतिथि विजय वर्मा रहे, जिन्होंने चौक पर मिट्टी का कुल्हड़ बनाकर उसका शुभारंभ किया। इसी के लोगों को प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण देने वालों में मुन्ना लाल प्रजापति तथा रामकिशन प्रजापति मुख्य रूप से रहे, जिनके द्वारा वहां पर उपस्थित सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यह प्रशिक्षण 10 दिनों तक चलेगा और खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के विकास अधिकारी नंदलाल विश्वकर्मा भी मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण करने वालों के मुख्य रूप से नाम है राम किला प्रजापति, नंदलाल प्रजापति, संतोष प्रजापति, सुदर्शन प्रजापति, हीरा लाल प्रजापति, सुरेंद्र प्रजापति, अरविंद प्रजापति, जमुना प्रसाद प्रजापति, सूरज प्रजापति, गुलाब प्रजापति, लक्ष्मण, राकेश प्रजापति, बाल किशोर प्रजापति, अमरनाथ प्रजापति, प्यारे लाल, रामबली प्रजापति आदि प्रजापति समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग लिया व इलेक्ट्रॉनिक चौक के द्वारा मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाए इसका गुण सीखा। चुनार से हमारे संवाददाता सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? नंदलाल विश्वकर्मा। सर, आपका पोस्ट क्या है, किस पोस्ट पे हैं आप? विकास अधिकारी। विकास अधिकारी। तो सर, इसका क्या मेन उद्देश्य है, ये जो चाक आप वितरण कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य, पहले पत्थर पर कुम्हार चाक चलाते थे, उनको मेहनत लगती थी, कम उनका प्रोडक्शन होता था। बाद में हमारा विभाग इसको इजाद किया कि लगती से ये चाक चलेगी तो लोगों की बिक्री बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इस उद्देश्य से ये चाक बनाई। तो सर, ये जो चाक वितरण हुआ, ये कितने लोगों को आप वितरण करेंगे? अभी यहाँ 60 लोगों को वितरण करेंगे। तो सर, ये ट्रेनिंग पीरियड है या फिर? ट्रेनिंग है, 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के उपरांत हमारे ट्रेनर्स इनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पूरा प्रक्रिया बताते हैं। मट्टी पीसने के लिए मशीन है तो ये करते हैं, फिर चाक पर ये करते हैं, बनाते हैं, बना के सिखाते हैं। तो ये सर, चाक बना के मतलब मट्टी स्थान के उसको सिखाया जाता है, 10 दिन की ट्रेनिंग ये चलेगी, उसके बाद ये लोगों को वितरण किया जाता है? वितरण जी सर, धन्यवाद सर। यहाँ से दूरी ज़्यादा है, इसलिए लोगों को हम जगह पर मुहैया करा देते हैं। ये मतलब कितनी रेंज पर आप बांटते हैं इसको? ये हमारे अंडर, हमारे मंडली कार्यालय के अंदर 12 जिले आते हैं। 12 जिले, हम 12 जिले में बांट सकते हैं। तो ये जिला वाइज सर बांटते हैं? जिला वाइज। हर जिले, पिछले साल हमने 1420 चाक बांटा। जी सर, तो ये जिला वाइज जिला सर बांटते हैं आप? हर जिले में सर कितने कितने चाक बांटते हैं आप? ये अब जैसा जहाँ का स्कोप हो, जहाँ कुम्हार जाते हैं उस हिसाब से बांटते हैं। टारगेट हर साल आता जाता है, रहता है, उसी के अनुसार हम करते हैं। पिछले साल भी मिर्जापुर में हमने किया हूँ, अदलपुरा चुनार में भी किया हूँ। ये लोग पहले के हैं, ये दोनों व्यक्ति पहले ले चुके हैं। उस समय फ्री था कास्ट, अभी 10% इस पर सरकार ने कर दिया। तो सर, एक चाक कितने का पड़ता है? 16,000 का एक चाक पड़ता है, और ब्लंजर मशीन है जो मिट्टी पीसने वाली है। जी जी, वो 26,500 की। जी सर, 10 के ग्रुप में एक ब्लंजर मशीन दी जाती है। जी सर, ये ग्रुप वाइज दिया जाता है? ग्रुप वाइज, एक ब्लंजर मशीन 10 लोगों के ग्रुप में बढ़ता है सर? 10 चाक, इलेक्ट्रिक चाक और एक ब्लंजर मशीन।